हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा सीएसएस के लेक्चर में सेकंड डे है। इससे प्रीवियस की क्लास में हमने सीएसएस के बारे में जाना कि सीएसएस क्या है, सीएसएस आपके वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करता है, किस तरह से आप अपने एचटीएमएल के प्रोग्राम में स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं इनलाइन में, इंटरनल सिंटैक्स के थ्रू या एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू आप किस तरह से अपने एचटीएमएल के प्रोग्राम में आप सीएसएस स्टाइल का यूज़ करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे टू के आपके सेक्शन। आज हम बात करेंगे सीएसएस के सिंटैक्स की। सीएसएस सिंटैक्स कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी सीएसएस का जो सिंटैक्स होता है वो क्या क्या अपने अंदर कंसिस्ट करता है, एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। सेलेक्टर के बारे में जैसे कि आपको आपके इस डायग्राम में भी शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि ये जो सेलेक्टर है, सेलेक्टर क्या होते हैं, जो भी आपका आपने पूरा एक ब्लॉक दिया होता है ना, ये एक पूरा क्या कहला रहा है, आपका ब्लॉक दिया जा रहा है, ठीक है। आपके इस ब्लॉक में जो आपके HTML के टैग्स होते हैं, जैसे कि आपके पैराग्राफ्स के लिए टैग होते हैं, हेडिंग्स के लिए टैग होते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके सेलेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, आप अपने सिंटैक्स के लिए सीएसएस सिंटैक्स में क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं। प्रॉपर्टी नेम जैसे कि कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर्टी नेम। अब आप अपने टेक्स्ट पे क्या ऑप्शन अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्या फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और ये जो पूरा आपका बॉक्स होता है, ब्लॉक होता है, वो क्या कहलाता है, आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पूरा फॉर्मेट आपका आपका जो सीएसएस का सिंटैक्स है उसे शो करवाता है। यानी सीएसएस के सिंटैक्स में क्या क्या हो गया, आपके पास सेलेक्टर्स हो गए, यानी जो भी आपके एचटीएमएल के टैग्स होते हैं वो क्या कहला रहे हैं, आपके सेलेक्टर कहलाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी नेम्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती है, जिनके थ्रू क्या करवाते हैं, आप अपने HTML का जो भी प्रोग्राम होता है उस पर आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए अपने प्रोसेस करवाते हैं, स्टाइल्स के लिए आप वहाँ पे अपने जो भी आपको डिक्लेरेशन देनी होती है वो आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट वापस बात करते हैं सेलेक्टर की। सेलेक्टर के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, the css selector is used to select the content that you want to style, ठीक है। css selector कहाँ पे use किया जाता है, जिसको भी आप जिस भी टेक्स्ट को आप स्टाइल देना चाहते हैं वहाँ पे क्या यूज में लिया जाता है, आपके selectors का कहा जाता है, ठीक है। it indicates the html element you want to style। सेलेक्टर्स क्या इंडिकेट्स करवाते हैं, जो कि आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको नीचे एग्जांपल में कुछ ही दिए जा रहे हैं, जैसे H1 टैग हो गया, टाइटल हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये क्या है, आपके HTML के एलिमेंट्स हैं। आप इनमें से जिस पर भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सेलेक्टर कहलाते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स के बाद नेक्स्ट हमने बात करी है डिक्लेरेशन ब्लॉक की। The declaration block can contain one or more declarations separated by a semicolon. ठीक है, यानी आप एक ही अपने प्रोग्राम में CSS के या आपके HTML प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा declarations दे सकते हैं। यहाँ पे तो एक ही example दिखा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया color red, font size 12 और यहाँ पे semicolon से क्या करवा दिया, मैंने separate करवा दिया दूसरे प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को, ठीक है। तो यानी ये क्या कहलाएगा, आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन्स वन एंड मोर, यानी आप एक अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस भी दे सकते हैं, जो कि किससे अलग हुए हुए होते हैं, आपके सेमी कॉलन से। ईच डिक्लेरेशन कंटेन्स ए प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलन, ठीक है। एक डिक्लेरेशन जो कि आपका होता है वो क्या क्या लिए हुए होता है, एक तो आपकी प्रॉपर्टी लिए हुए होता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी नेम होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आपकी जैसे मान लीजिए कलर हो गया, ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया, ये सारी क्या कहलाएंगी, आपकी प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। और
क्या होती है, आपके पास वैल्यूज होती है। वैल्यू जैसे आप कलर क्या देना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को, हेडिंग को, जो भी कलर देना चाहते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी वैल्यूज कहलाती है। क्या आप साइज देना चाहते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, वैल्यूज कहलाएगी, जो कि किससे सेपरेटेड होती है, यहाँ पे आपको कॉलन शो हो रहा है, इससे सेपरेटेड होती है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, आपके डिक्लेरेशन ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए होता है, जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी नेम होते हैं और वैल्यूज होती है। अब बात करते हैं एक और बार, प्रॉपर्टी नेम क्या होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट, इट कुड बी कलर, बॉर्डर एट्सेट्रा। यह क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है, यह क्या होती है, आपके HTML एलिमेंट के लिए एट्रीब्यूट होती है, जैसे कि आपका कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, बॉर्डर और भी, फॉर एग्जांपल जितने भी आपने अभी HTML में अपने एट्रीब्यूट्स दिए थे वो सब क्या कहलाती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। अब जो भी आपने एट्रीब्यूट्स दिए थे उनको आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ असाइन करी होगी, CSS प्रॉपर्टीज़ असाइन करी होगी, जैसे कि आपने कलर ले लिया रेड, तो रेड क्या कहला रहा है, आपका वैल्यू कहला रहा है, यहाँ पे आपके CSS के सिंटैक्स में वैल्यूज आर असाइन टू CSS प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल वैल्यू इक्वल्स टू रेड, तो ये क्या होती है, आपकी वैल्यूज कहलाती है। आई होप, मुझे लगता है आपको आज की वीडियो में CSS के सिंटैक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो से आप केवल अपने सिंटैक्स की नॉलेज को इम्प्रूव करें। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे हमारे CSS जो सेलेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उन्हें किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड ना हो, आप तब तक इन वीडियोज़ का अपने लिए यूज़ करें, इनके थ्रू प्रिपेयर हो जाएं कि आपको किस तरह से आगे वर्क करना है। देखिए, ये केवल एक आपके पास सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अभी जब आप इन पर प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इन ऑप्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके सेशन भी रखेंगे, प्रैक्टिकल सेशन तब ही समझ में आएंगे जब आपने यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस अच्छे से ले ली होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।